गुरुवर संत श्री आसाराम जी बापू कई बार अपने सत्संगों में श्री कृष्ण भगवान के जीवन से साधकों को कई तरह से सीख लेने की प्रेरणा देते रहे हैं। ऐसा मत समझना कि श्री कृष्ण के जीवन में रसिया गीत थे, बंसी थी और नाच थे, नृत्य थे। रसिया गीत और बंसी वाले कृष्ण के जीवन में ज्ञान की गंभीरता थी, योग की ऊंचाई थी, कर्म की निष्ठा थी और नैष्कर्म्यता की पराकाष्ठा थी। और भगवानों के पास तो जाना पड़ता है, ये हमारे पास भागे भागे आते हैं। औरों को तो मनाना पड़ता है, ये हमें मनाने को चले आते हैं। औरों को तो निराकार है कि साकार है समझने के लिए कसरत करनी पड़ती है, द्विभुजी है कि चतुर्भुजी है खोज लगानी पड़ती है। लेकिन ये द्विभुजी भी हो जाते, चतुर्भुजी भी हो जाते हैं, निराकार वैभव की भी खबर देते और साकार का भी स्नेह प्रदान करते। जो अल्लाह को अथवा गॉड को निराकार मानते हैं वे भले माने, वेदांत भी ईश्वर को निराकार मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का रसमय साहित्य कहता है कि तुम साकार हो तो ईश्वर को केवल निराकार मानोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम रस नहीं आएगा। जब तुम साकार हो तो उसको भी साकार मानो, जिसकी सत्ता से साकार शरीर है वो भी साकार होकर अवतरित हो जाए। और हुआ, हिंदू धर्म ने परमात्मा को साकार रूप में प्रकट किया। दुनिया के और मजहबों ने ईश्वर को साकार रूप में प्रकट नहीं किया, लेकिन हिंदू धर्म ने ईश्वर को साकार रूप में भी प्रकट किया। ईश्वर को अपना सखा बनाकर दिखाया, ईश्वर को अपना मित्र बना के दिखा दिया। श्री कृष्ण व्रज में गौ चराने जाते हैं। गौ शब्द इंद्रियों के लिए भी काम आता है और गौ माता के लिए 109 शब्द बनते हैं। श्री कृष्ण का जीवन कैसा अद्भुत है। श्री कृष्ण अनुभव के बड़े धनी हैं और गीता श्री कृष्ण के अनुभव की पोथी है। रसिया गीत गाने वाले और नृत्य सीखने और सिखाने वाले श्री कृष्ण के जीवन में देखो तो दुखों की, विघ्नों की, मुसीबतों की लंबी कतार है। सामान्य आदमी हो तो जीवन भर रो रो के मर जाए और फिर भी उसका रोना कम ना हो और दोबारा जन्मे और उसी जन्म का रुदन चालू करे। इतनी लंबी विघ्न बाधाओं की कतार है श्री कृष्ण के जीवन में। लेकिन श्री कृष्ण के अनुभव की पोथी गीता, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख में उद्विग्न मत हो, ये श्री कृष्ण ने केवल बोला नहीं है, उनके जीवन में चमचम चमकता है। दुख में उद्विग्न मत हो, सुखेशु विगतस प्रहा, सुख में आसक्त न हो। पलकें बिछाने वाली गोपियां और ग्वालों ने, देवकी, यशोदा, नंद बाबा आदि ने श्री कृष्ण को कितना सुख दिया, लेकिन जब व्रज छोड़ा तो मुड़कर देखा भी नहीं, सुख में स्प्रहा रहित। मेरे को मिसिस बोट प्रेम करती है, मर रोज की याद में, मेरा मिस्टर बोट मेरे को लव करता है, जा सिर पछा, जो हो गया सो हो गया, उसके पीछे अभी का वर्तमान व्यर्थ ना करो। किसी ने प्यार दिया तो दिया, किसी ने दुख दिया तो दिया, कभी दुख मिला तो मिला, सुख मिला तो मिला, ये आ आके जाने वाले हैं। कृष्ण कहते तुम नित्य स्वरूप रहने वाले हो, स्वस्थ हो जाओ, स्व में स्थित हो जाओ। खाली कहते नहीं है, उनके जीवन पे कदम कदम पे, डगर डगर पे है। जीवन केवल हापाधापी करने के लिए नहीं है, जीवन विश्रांति के लिए भी है, नृत्य के लिए भी है, गीत के लिए भी है, आह्लाद के लिए भी है, आनंद के लिए भी है, विश्रांति के लिए भी। और विश्रांति के मूल को जानकर मुक्त होने के लिए जीवन सर्वांगी विकास होना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में वो भी है। ग्वाल बालों के बीच अपने को कुछ करना चाहिए। क्या करें?
एक गोप ने कहा कि ये जो है ना नृत्य बहुत बढ़िया जानते हैं, अरे तुम मुझे नृत्य सिखाओगे भैया? अरे बोले ऐसे कोई नृत्य सिखाया जाता है क्या? चेला बनो तब। हाँ बोले मेरे बाप, तू मेरा गुरु मैं तेरा चेला, चला चली का मेला, सिखा मुझे नृत्य। चेला बनने में भी देर नहीं करते, श्री कृष्ण चेला है तो पूरे चेले हैं, गुरु है तो पूरे गुरु हैं, मित्र हैं तो पूरे मित्र हैं, सखा हैं तो पूरे सखा हैं, सुहृद हैं तो पूरे सुहृद हैं, और युद्ध कौशल में भी पूरा अर्जुन त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम दे। युधिष्ठर हारेंगे कि जीतेंगे उसकी परवाह मत कर, तुम्हें राज्य मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा उसकी परवाह मत करो, अभी कर्तव्य कर्म करके देव बराबर बाण, परिणाम कुछ भी आए द्वेष बुद्धि मत रखना। और देव अपनी गायों को बांध कर रखते हैं, लेकिन ये कृष्ण गायों को छूट दे देते हैं, खूब आलाद से चरो, लेकिन जब बंसी बजे तो अपने आप खींच के आ जाओ, कान खड़े कर दो, एक टक देखती रहो। गोमाना इंद्रियां, इंद्रियों को वश करके रखते महादेव जी। एक बैल है, चार गाय है और उनकी लंबी संतान है, लेकिन बैल बंधा रहता है, गाय भी बंधी रहती। ब्रह्मा जी के यहां भी बंधे रहते हैं पशु, लेकिन ये देव कैसा है कि पशुओं को बांधते नहीं, विचरण करने दो, लेकिन जब चाहो तब पशु अपने आप खींच के आ जाए, ये कैसा देव है? जब चाहो समय हो तो खींच के आ जाए। बजी बंसी दौड़ी चली आए रही गाय, बजी बंसी बछड़े देखते रह गए, बजी जरा सी बंसी की तान दूध दोने वाली गोपियां देखती रह गई। ये ऐसा प्रेमा अवतार धरती पर आया, इस प्रेमा अवतार ने मनुष्य के जीवन में जितनी भी मुसीबत और कठिनाइयां आ सकती उससे भी ज्यादा कठिनाई इस प्रेमा अवतार के जीवन में थी। और कोई होता तो दुख रो रो के मरे और फिर भी दूसरे जन्म में भी वही दुख रोए, इतना दुख श्री कृष्ण के जीवन में। लेकिन कभी सिर पकड़ के उदास नहीं हुए, कभी फरियाद नहीं किया। बोलने को तो हम आप बोल देंगे कि मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। लेकिन ऐसे डायलॉग बाज लोग भी रोते रहते हैं। कृष्ण ने डायलॉग बनाए नहीं, दिए नहीं, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन तो ऐसा ही, मुस्कुरा कर गम का जहर पीना आ गया। अष्टमी को तो जन्म हुआ और कृष्ण के जन्म के निमित्त ही माँ बाप को जेल जाना पड़ा और अपने पहले छह भाइयों को मौत के घाट उतरना पड़ा। ऐसा डेंजर जीवन, ऐसा भयावह जीवन। और जन्मे तो जेल में और जन्मते ही पराये घर लिवा गए, लिए गए। आपको तो जन्मते ही टोकरी में कोई उठा के नहीं ले जाता है, शुक्र करो। इससे बड़ा भारी दुख तुम्हारे इष्ट को मिला तो मुस्कुराते रहे, तो तुम काहे को रोते हो? क्या करे, मेरा जॉब चला गया, मेरा बिजनेस में ये हो गया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया। अरे जन्मते भांजे के पीछे पूरा राज और राज सत्ता कंस लग गया, तभी भी कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मेरा मामा कंस मेरे पीछे पड़ा, मैं तो मर गया रे, हाय रे, कभी नहीं किया। 17-17 बार जरासंध को धूली चटाकर भेजा, लेकिन 18वीं बार जरासंध एकाग्र होकर कुछ तत्परता से आए तो श्री कृष्ण को बलराम के सहित भाग जाना पड़ा। ऐसा नहीं कि भगवान है तो सफल ही सफल होते रहे, भगवान है तो अपने आप में है तो उसमें भी वही तो भगवान है, कभी कोई भगवान जीतता है, कभी कोई भगवान की सत्ता काम करती है। और देवों को तो मनाना पड़ता है, लेकिन ये देव हमें मनाने को राजी है, और देव के पास तो जाना पड़ता है, लेकिन ये देव हमारे पास अपने आप आता है। और देव को तो बुलाना पड़ता है, भोजन करने आओ, और ये देव तो आकर बैठ जाता है, क्या बनाए, लाओ जरा दे दो, आके वो देव चुमा वैष्णव नो देव।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय मधुमय देवाय मधुमय देवाय। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।